राशन डीलर को लेकर परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में हंगामा मच गया। लंबे समय से आवंटित राशि से कम राशि देने का नंदीग्राम के साईंबाड़ी इलाके के राशन डीलर तपन साहू के खिलाफ आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कम चावल, चीनी और गेहूं आवंटित करते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह आरोप लगाया गया है कि यह राशन में कम भुगतान किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सुबह से राशन की दुकान में विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के कारण राशन डीलर की मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया गया और उसे तालाब में फेंक दिया गया। खबर पाकर नंदीग्राम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और स्थिति को नियंत्रण में लाया।